हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तेरा वॉइस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज है सोमवार, बोले तो मंडे। तो हम कुछ ऐसे ही पिकनिक के लिए निकल चुके हैं। और ये लक्की है जो यहाँ पे इसका ननिहाल है, ये घूमने आया है। तो मैं मज़ा ले पा जाशा डूंगर में। तो ब्लॉग शुरुआत हुआ है, तो देखता रहिए। जो तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों के बीच में। और देख सकते हैं हमारा पिकनिक का सामान हमारे साथ है। तो आज हम पिकनिक मनाएंगे, बोले तो पहाड़ों के बीच में, बोले तो कैसा बोले है, एकदम जंगल में, जंगल वाली सीन हो रहा है। तो आगे हम एक अच्छा सा पिकनिक देखेंगे जहाँ पे हम सामान जो लाए हैं वो बना सकें और आराम से खा के इंजॉय कर सकें। तो हमने बाइक छोड़ दी है और अब हम थोड़ा पैदल ही चलेंगे। देख सकते हैं व्यू, देख सकते हैं आप पीछे। और तेरा बाइक को खड़ी कर दी है हमने। और बाकी एकदम फुल डरावना व्यू हो रहा है। दोपहर का समय है, पता नहीं हमारे मूड में क्या जाता है आज, जो हम पिकनिक बनाए आए हैं यहाँ पे। तो गाइस, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब ये देखिए, तो हमने खाना बनाने के लिए चूल्हा तो बना दिया है। अब हम जा रहे हैं लकड़ी लेने। जंगल है वैसे तो, पर कुछ थोड़े बहुत सूखी लकड़ी हाथ आ जाए, सूखी लकड़ी, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और जंगल में सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको ये एक तरह का वीडियो आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकता है, भाई जंगल में कैसे सर्वाइव किया जाता है। तो हम इस पेड़ के पास आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूखा हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ लकड़ी मिल सकती है। तो हम लकड़ी लेने तो आए थे, पर ये देख सकते हो बारिश के कारण ये पहाड़ों से पत्थर फिसल फिसल के यहाँ नीचे आ जाते हैं। और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो हमारे घर बनाने में। और फाइनली हमें सूखा पेड़ मिल चुका है गिरा हुआ, ये आंधी के कारण ये पेड़ गिर जाते हैं। तो हम इससे थोड़ी बहुत लकड़ी ले लेंगे जो हमारे लिए सर्वाइव करने में आसान होगी। ये थोड़ी बहुत जलने में आसान होती है पत्ते जलने में, इनको मैं तोड़ लेता हूँ। और आप व्यू देख सकते हैं जंगल का और पहाड़ों का, बहुत ही शानदार व्यू है। ये मैगी बनाने के लिए तो आज आप देखेंगे हम क्या बना रहे हैं, वो वीडियो के एंड में पता चलेगा आपको कि हम क्या बना रहे हैं। कुछ स्पेशल ही होगा जंगल के हिसाब से, देखिए। गाइस, हमारी जो भी बना रहे थे वो बन के तैयार है और आपका सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। तो देखिए आप मैंने क्या बनाया है। तो गाइस, यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं और हमने पिकनिक का बहुत ही आनंद लिया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने भी इंजॉय किया होगा। तो मेरा कहना यही है, कभी टाइम मिले आपको तो आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा मैगी या कुछ और भी पिकनिक बनाने इन्हीं पहाड़ों के बीच में निकल जाओ, क्योंकि पहाड़ों में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है। तो एक दिन तो अपनी लाइफ के लिए बनता है। थैंक्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड लव यू।